जब दिल चाहे कुछ स्वादिष्ट खाने का तो सब्सक्राइब करें चैनल स्वाद दिल्ली का, और मेरी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो सो प्रेस द बेल आइकन, इट्स टोटली फ्री। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ब्यूटी टिप लेकर आई हूँ जो हमारी गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। या जी हाँ, वाटरमेलन पील यानी तरबूज के छिलकों को जिन्हें हम फेंक देते हैं, ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तरबूज एक तो खाने में हमारे लिए गर्मियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, यहाँ तक कि जो छिलके हैं वो भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसके काफ़ी पैक्स बनाए जाते हैं, आप घर में इसके फेस पैक बना सकते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए। लेकिन जो इसके छिलकों से आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसके छिलकों को, वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने वीडियो में। ये देखिए, जो छिलके होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं खाकर, ही हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं। इनके छिलकों में जो ये नीचे ही थोड़ा थोड़ा ये इसका ये लगा हुआ है गूदा, इसको आप फेंकिए मत, इसे हम कट कर लेते हैं। और आपकी स्किन जो डैमेज हुई हो सूरज से, जो झुलसी हुई स्किन होती है, और कितनी जल्दी 2 मिनट से भी कम में भी आपकी स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगा सारा सन टैनिंग, और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ग्लोइंग रिफ्रेशिंग लगेगी। व्यूअर्स, जी हाँ, ये मैं आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप इसे यूज़ करके देखिएगा। बस इसमें 2 पिंच हमें बेकिंग सोडा डालना है, यानी खाने वाला सोडा जो होता है। ये देखिए, जैसे ही हम इसमें सोडा डालते हैं इसके अंदर ही देखिए एक एसिड, ये देखिए एसिड सा निकलेगा। ये देखिए इसके अंदर नेचुरल एक बोलते हैं ना, स्किन को फेयर करने के लिए एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी स्किन को बहुत ही जल्दी ही ग्लोइंग बनाता है। अभी देखिए, मैं आपको हाथ पे डेमो करके दिखा रही हूँ, जो हमारे ये नकस काले पड़ जाते हैं, देखिए इस पर हम रब कर सकते हैं 1 से 2 मिनट तक। बस आपको सोडा लगा के यहाँ पर ये नकस पर आप इसे रब करना है, जहाँ जहाँ आपकी स्किन थोड़ी काली हो, या अपने फेस पर, अपनी नेक पर, नेक बहुत से लोगों की काली हो जाती है, अगर आप उस पर रब करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर, तो आपकी स्किन बहुत ही रिफ्रेश, ग्लोइंग और फेयर लगेगी। और आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही कितना सस्ता टिकाऊ ये फॉर्मूला है। व्यूवर्स, ये देखिए, जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। ये मैंने 1 से 2 मिनट इसे रब किया है, अब मैं इसे वॉश करूँगी। इसे नॉर्मल पानी से मैंने वॉश कर लिया है। व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथों को कितने अच्छे ये रिफ़्रेश हो गए हैं, और ये सारे जो हमारी टैनिंग है वो बिल्कुल रिमूव हो गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी और यूज़फुल रेमेडीज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूँगी। जो नए मेहमान हैं प्लीज़ सब्सक्राइब स्वाद दिल्ली का, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए।